सफलता की सफर में, स्ट्रगल की इस दौर में मैं आ गया हूँ आपके सामने एक ऐसे शख्स की कोशिशों की कहानी लेकर जिससे आप ना कि खुद को रिलेट करेंगे बल्कि इट विल ऑलवेज पुश यू टू कीप ऑन वर्किंग। इट विल बिल्ड अ नेवर गिव अप एटीट्यूड इनसाइड यू। करंट सिचुएशन ऐसा है कि सब लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं बट स्टिल दे स्टक ऑन समथिंग एंड एट द एंड डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं। तो आप समझो कि सक्सेस वो नहीं जो आप पाना चाहते हैं, सक्सेस वो है जहां आप खुशी से जीना चाहते हैं। वो चीज़ें करो जिससे आपको खुशी मिलती है और उसी सक्सेस के लिए मेरी एक कोशिश है कि मैं आपको रुकने ना दूं। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो कोशिश वॉइस वन शुरू करता हूँ। मैं अपने लाइफ में बहुत बार फेल हुआ हूँ बट मैं कभी हार नहीं माना और आगे भी नहीं मानूंगा। एक्चुअली जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था और उसके सेकेंड ईयर में था तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि मुझे आगे क्या करना है, कैसे करना है। बट समहाउ मुझे एग्ज़ाम्स के बारे में पता चला लाइक नीम से, जिससे कि मैं आगे ग्रो कर सकता था। तो उसके लिए मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की और जैसे जैसे प्रिपेयर करता गया मज़ा आता गया और मैं फिर रुका नहीं। मैं अपना 100% देता रहा। बीच बीच में हाँ कभी लगता था, माइंड में आता था कि नहीं होगा तो क्या करूँगा, फेल हो जाऊँगा तो क्या करूँगा, बट स्टिल मैं डाइवर्ट नहीं हुआ गोल से, लगा रहा कंटिन्यू। फिर जब एग्ज़ाम की डेट आई तब से घबराहट होने लगी, लेकिन क्योंकि मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं था बट एग्ज़ाम तक मैं ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो चुका था। तो जैसा कि एग्ज़ाम आया, फिर मैं एग्ज़ाम देकर आया तो थोड़ा अंदर से अच्छा फील हुआ, लाइक मैंने अच्छे क्वेश्चंस करके आए थे और कॉन्फिडेंस भी था क्योंकि मैंने मेहनत करा था इतना, तो लगा था कि हाँ हो जाएगा। ठीक है, तो जब रिजल्ट आया और मैंने देखा तो मेरी रैंक आई थी 1200। ओके, मैं थोड़ा शॉक हुआ। एक्चुअली रिजल्ट तो हमारे अकॉर्डिंग कभी आएगा नहीं। ठीक है, तो वही सिचुएशन हुआ वहाँ पे कि जो तुम चाहोगे वो तो नहीं मिलेगा भाई। ठीक है, सो रिजल्ट मैं फेल हुआ इस बार। ठीक है, मैं सोच नहीं पा रहा था कि करना क्या है, कैसे करना है। आई वॉज स्टक एट दैट टाइम। आई वॉन्टेड टू री स्टार्ट अगेन बट पहले से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थे, बिकॉज इस बार मैंने जो प्रिपरेशन करा था वो बस ऐसा था कि मुझे किसी तरह सिलेक्शन मिल जाए कॉलेज में। ठीक है, लेकिन अब ऐसा था कि नहीं, अब जो प्रिपरेशन करनी है उससे बस कॉलेज में, बस कॉलेज नहीं एक अच्छा कॉलेज चाहिए थे मुझे। ठीक है, तो मैं उस हिसाब से अब प्रिपेयर कर रहा था। ठीक है, तो कोशिश करते हैं फिर से एक बार और, मैंने ट्राई दिया तो फिर से मैं लग गया उस एग्ज़ाम के लिए जो अब एक साल बाद होने वाली थी। मैं अपने आप को समझाया, मैं कहाँ लैग किया, मैं अपने वीकनेस पे काम किया। देखो लाइफ में जब भी तुम फेल हो रहे हो ना तो तुम ये मत सोचो कि तुमने पढ़ाई अच्छे से नहीं की या फिर एग्ज़ाम का प्रेशर था। तुम्हें अपने वीकनेस ढूंढनी है और वो हर एक के अंदर होती है, कोई ना कोई वीकनेस जरूर होती है जिसके वजह से तुम फेल हुए हो। तो सर्च फॉर योर वीकनेस एंड जस्ट ट्राई टू ओवरकम दिस। तो मेरे लिए सेकेंड टाइम प्रिपेयर करना थोड़ा आसान हुआ बिकॉज मुझे अपने वीकनेस पे काम करना था और मैंने किया है। एग्ज़ाम के डेट आए, साथ साथ कोरोना भी आया। मेरा प्रिपरेशन एकदम पीक पे था उस टाइम पे जब कोरोना आया था, लेकिन जैसे ही कोरोना आया सब खत्म। 2 मंथ्स एकदम से गायब हो गए मेरे, एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए, सब कुछ इधर उधर, लाइफ एकदम अप्स एंड डाउन्स पूरा हो गया। ठीक है, तो जब 2 महीने बाद जब मैंने देखा आई हैव वेस्टेड इट, आई रियलाइज दैट मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है।
Then I started again and never stopped till the exams. तो जब एग्ज़ाम्स का डेट आया, फिर एग्ज़ाम्स हुआ, तो उसके बाद तो थोड़ा लग रहा था कि हाँ हो जाना तो चाहिए, अच्छे क्वेश्चंस करके आए थे. तो फिर से रिजल्ट्स का टाइम आया, एग्ज़ाम दियो तो रिजल्ट्स का टाइम आएगा ही आएगा, ठीक है. तो मैंने अपने रिजल्ट्स नहीं देखा था अभी तक, ठीक है. तो मैंने जितने भी दोस्तों से बात करा था ना, वो लोग का रिज़ल्ट ऑलमोस्ट गंदा ही आ रहा था यार. तो मुझे ना अपना रिज़ल्ट देखने का मन नहीं कर रहा था. और मैं सच बताऊँ तो लिटरली मैंने अपना रिज़ल्ट नहीं चेक किया था, ठीक है. रिज़ल्ट दिन में ही आ गया था, लेकिन मैं शाम में रिज़ल्ट मुझे पता चला था. एक्चुअली मुझे हिम्मत नहीं हो रहा था ना रिज़ल्ट देखने का, तो फिर मेरा रिज़ल्ट कोई और देखा और मुझे मेरा रैंक उससे पता चला. मेरा रैंक 220 है. And yes, I succeed this time. But जिस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा था उसमें सक्सेस नहीं मिली, बट जो मिला वो सक्सेस से कम नहीं था. मैंने कोशिश करा था कि मुझे टॉप कॉलेज मिले, और मुझे मिला टॉप कॉलेज ही, ठीक है. बट नॉट वन और टू, बट इट्स 3 or 4. सो थैंक यू सो मच गाइज वीडियोज़ देखने के लिए. और अगर वीडियोज़ अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना. और इसी तरह की वीडियोस और भी आते रहेंगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना.